चला रहा है। ओए वाह वाह बेटे वाह, मौज कर दी ना। यहीं पे कहीं शॉप है अंदर जाके राइड प्लान करनी थी, तो भाई को आ गया कॉल कि भाई सिधड़ा मत जाना। सो ये बस बैक में आ चुके एक और न्यू ब्लॉग लेके। तो भाई आज मैं रेडी हो चुका हूँ पूरा का पूरा। सो जब भी मैं बैग डालता हूँ आपको समझ आते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ जम्मू, ठीक है। सो जम्मू में एक काम है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी जाना है। तो भाई मैंने पहले जाना है वेमॉल की साइड, वेमॉल से भाई अभी भाई से मिलना है। आज उनके साथ पूरा व्लॉग होगा, मतलब प्रॉपर शायद से आज मोटो व्लॉग होगा, पक्का नहीं कह सकते क्योंकि मैंने जाना है जीवरल साइड से एक छोटा सा नट बोर्ड के शॉवर्स होते हैं वो लेने हैं। तो भाई हमारा एक दरवाज़ा उसका जो डोर क्लोज होता है ना उसका एक छोटा सा एक नेट खराब हुआ है वो चाहिए। तो भाई चलते हैं आज और चलते हैं। तो भाई ऑडियो में थोड़ी सी हो सकती है, मोटो व्लॉग बोलूंगा अच्छे से बोलूंगा, लेकिन जब मैं मोटरसाइकिल स्पीड स्लो करूंगा तब बोलूंगा, तो ऐसे आवाज़ नहीं आएगी। तो चलो आगे चलते हैं। सो ये बच्चे वैसे बैक में नए ब्लॉग आ चुके एक और न्यू ब्लॉग लेके। तो भाई साहब मतलब मोटर ब्लॉग जो है मैं बहुत देर बाद कर रहा हूँ आई नो, और आज मैं जा रहा हूँ मतलब जीवल साइड पर। पहले हम जाएंगे अभी तो ऐसे मिलने, अभी वैसे मिलने का मतलब ब्लॉग व्लॉग करके सब कुछ करके उसके बाद देखेंगे कि हमने मतलब जीवल साइड तो जाना ही है, वो तो पक्का ही, क्योंकि और वहाँ पर यार पापा का काम, ठीक है। तो पापा का काम भी ख़त्म करना है और भाभी तो ऐसे मिलना, आज चलते हैं। और सबसे पहले डलवाएंगे पेट्रोल, तो पेट्रोल डलवाने के बाद मिलते हैं, ठीक है। एंड लिटरली यार मतलब गर्मी की वजह से अब कीड़े बाहर निकल रहे हैं और भाई मुंह के ऊपर इतने पड़ रहे हैं ना, मतलब पूछो मत, इतने ज़ोर ज़ोर से लग रहे हैं। मैंने हेलमेट का वाइजर अभी नीचे किया हुआ है और भाई टक 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 की आवाज़ आ रही है, मतलब ये क्या है भाई। और इतने ज़्यादा कीड़े भाई, इस पर रिस्क भी बड़ा है क्योंकि यार जब बंदा मोटरसाइकिल चला रहा था ना तो भाई बहुत रिस्क है, क्योंकि यार आँख में पड़ जाए एक बार तो बड़ा रिस्क हो सकता है, ठीक है। तो अपना वाइजर बंद ही रखो तो अच्छी बात रहेगी। और चलो आगे चलते हैं अब सीधा। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सभी सतवारी में, और सतवारी वाली साइड से मतलब अभी हाईवे वाला रोड पकड़ेंगे और हाईवे वाले रोड से सीधे हम जाएंगे मतलब वेमॉल वाली साइड, यहाँ से रास्ता पड़ता है और सीधा हम जाएंगे आप भाई को वहाँ जाके कॉल करेंगे और पूछेंगे भाई कहाँ पे हो, फिर हम मिलेंगे और व्लॉग बनाएंगे। तो चलो ऐसे यार बहुत लंबा रास्ता आपको बता देता है, ऐसा बोर हो जाएगा, तो चलो आपको सीधा वहाँ जाके मिलता हूँ, ठीक है। ले श्रीनगर भाई अपनी ड्रीम प्लेस है, अगर जिसको नहीं पता कि मेरे ड्रीम प्लेस कौन से, तो भाई मैं बता दूँ मेरी ड्रीम प्लेस है ले, ठीक है, ले लद्दाख एंड स्पीति वैली। ज़िंदगी में बस और कुछ ना करूँ, लेकिन ये दो चीज़ें मैंने करनी है और मैं करके रहूँगा, और मेरा ये मतलब ये अंदर से मेरी ड्रीम प्लेस नहीं कह सकते क्योंकि ड्रीम कभी बीच बीच में पूरी नहीं होती, ये एम है, मैंने यहाँ पे करना है, जाना यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा एम है, ठीक है, लाइफ गोल एक एम है, ठीक है। तो वहाँ पे जो जाऊँगा और भाई रिकॉर्ड तो करेगी यार, ऐसी ऐसी बात करती है बेटा। श्रीनगर 272 किलोमीटर, हमें श्रीनगर नहीं जाना है, दिल्ली अगर जाना है तो आपको 600 किलोमीटर का रास्ता सफ़र जो है करना पड़ेगा, और हम जा रहे हैं अभी वेमॉल की तरफ, तो वेमॉल की तरफ जाके मिलते हैं आपको, ठीक है। सो हियर इज अवर ले 704 किलोमीटर्स अवे, वाह बेटा क्या लाइन बढ़िया। सो हियर इज अवर ले 704 किलोमीटर अवे, वाह भाई वाह, क्या कहने यश भाई के, हो भाई अपने में प्राउड भी लेता भाई। यार इतना ट्रैफिक लगा हुआ ना मैं क्या बताऊँ, मतलब इतने देर से मैं चल रहा हूँ इसी ट्रैफिक में, चलती जा रहा हूँ भाई, क्या है ये भाई साहब, ये कौन लोग हैं भाई, भाई कौन लोग हैं भाई, ये यहाँ पे बताया भी नहीं हुआ कि किस साइड जाना वगैरह, किस साइड नहीं, आई थिंक सो सीधे जाना हमें, है ना। हाँ अब देखो ये जो सिग्नल तोड़ते ना भाई, ये क्या बंदे हैं भाई, यार सिग्नल दे रखा है, थोड़े मिनट के लिए सिग्नल है तो चलो यार वेट कर लो थोड़ा सा भाई, लेकिन नहीं, इनको पड़ी होती है अपने काम के, वाह भाई। अगर बीच में कहीं एक्सीडेंट हो जाए फिर बोलते हैं हाँ भाई आगे वाले की गलती है, आगे वाले की गलती है भाई, आपने खुद सिग्नल तोड़ा है, काम वैसे ही खुद करते हो आप, फिर बोलते हो दूसरों को, दिस इज नॉट फेयर ब्रो, दिस इज टोटली रॉन्ग। गाइस पहुंच गए अपने वेमॉल के बाहर और अभी करते हैं आबिद भाई को कॉल। मैं वेमॉल के बाहर, कोई नहीं भैया, और सुनाओ क्या हाल है, बढ़िया। और उस्मान भाई और सुनाओ क्या हाल है, ठीक है, यहाँ से नहीं आया आज, नमस्ते भैया क्या हाल है, ठीक हो, बस भैया आओ बैठो बस कितने उतल भाई भूत है मैं उतल भाई भूत है। सो गाइस मैं निकल रहा हूँ भाई अभी जीवल के लिए, तो भाई ने बोला अभी थोड़ा टाइम लीजिएगा, जो हमें राइड कर प्लान करनी है वो टाइम लीजिएगा। सो पहले आप जीवल से हो आओ, तो भाई मैं पहले जा रहा हूँ जीवल,
और जीवल से जो काम है वो निपटा के फिर से भाई के पास ही वापस आना है। तो पहले चलो फिर जीवल का काम निपटाते हैं, चलो। ओ भाई साहब जाम देख रहे हो आप, मतलब आते वक्त भाई मेरी अच्छी खासी वाट लगने वाली है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि किसी और ही रास्ते से आऊँगा वापस, क्योंकि यार ये वाला रास्ता भाई को चाहिए लिफ्ट। और चलो भाई शालीमार जाना था। हाँ जी शालीमार भैया, मैंने जीवल तरफ जाना है। मैंने जीवल तक जाना है। चलो कोई नहीं, बैठो। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने गुज्जर नगर पुल पे। और भाई साहब मतलब आपको तो पता ही गुज्जर नगर की खूबसूरती कितनी है। एक्चुअली अभी जहाँ पे जो अभी काम चल रहा थोड़ा सा, और ये देखो, अरे भाई यहाँ से मतलब व्यू ही लग गया यार, मतलब इतना अच्छा व्यू है ना कि कहने की बात नहीं। साथ में हमारी जम्मू तवी है जो, इसको तो कहने ही लगा भाई। भाई बस आगे नाक ना लगाओ, बाकी खैर है। चलो भाई, बंदा लिफ्ट मांग रहा था भाई, उसने यहाँ तक जाना था तो भाई मैंने इसे छोड़ दे दिया यार। रास्ता बीच में पड़ता है तो ऐसे यार हेल्प कर देनी चाहिए। तो भाई हेल्प भी देख सुन के करो, ठीक है? जो आपको बंदा हेल्प करने वाला लगता है उसकी करो। देखो देखो, आ जा आ जा आ जा, ना इंडिकेटर ना कुछ। भाई साहब बंदा हंस रहा है, देखो बीच में बैठ के बंदा हंस रहा है, उसको पता कि भाई वो पकड़ हो चुका है। ही कॉज्ड इन द कैमरा ब्रो, उन्होंने गलती की है, उसने इंडिकेटर भी नहीं दिया और भाई सीधा मोड़ काट दिया, ये इतना होता भाई। और यार एक तो यहाँ पे भी ट्रैफिक नाका लगा होता है पक्का, पता नहीं अभी लगा नहीं लगा। और भाई मैं बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, लोग मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, भाई बंदा कर क्या रहा है ये। यार यहीं पे कहीं शॉप है अंदर जाके और देखनी पड़ेगी पहले। और यहाँ पे जाम बहुत बड़ा लगा हुआ भाई साहब, और हमें भी बाइक लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या होता है। क्लोजर होता ना उधर, नेट दिन शॉवर लग गया है, पहले पूछ लेता भाई यार यहाँ से कहीं से मिलेंगे। जो लाइफ है वो खत्म हो चुकी है और अब नहीं हो सकता उसका कुछ भी। कोई नहीं, पापा को बताना पड़ेगा तो और क्या करना, तो मिला तो है नहीं वैसे भी। तो चलो हम चलते हैं। देखो ना हेलमेट पहनी है ना कुछ, और जा रहा है बंदा, वाह, वो भी हाथ छोड़ के चला रहा है। ओए वाह 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 बेटे वाह, मौज कर दी ना, होने वाली थी ना मौज। क्या यार ये छपरी, देख देख भाई थोड़ा वेट कर लो। नहीं नहीं होता वेट, नहीं से कैसे करेंगे भाई, जब चुल चुल मछली होते हैं इनको भाई, ये मतलब क्या कहें, छोड़ो यार। सो गाइस राइड प्लान कर रही थी तो भाई को आ गया कॉल कि भाई जरा मत जाना, बहुत बुरा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यार ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत है वहाँ पे और हर एक बाइकर को पकड़ रहे हैं, किसी अननोन बाइकर को जिसने कैमरा नहीं लगा रखा उसके पकड़ रहे हैं। तो भाई इतना रिस्क लेना हमारे लिए बनता नहीं है। सो भाई सोच रहे कि अभी घर जाएंगे क्योंकि उनका व्लॉग अभी हो नहीं पाया। करोगे आप? मुझे लगता आ जाएगा। तो भाई आज व्लॉग तो मुश्किल है, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ घर पे सीधा, क्योंकि यार और कहीं तो काम है नहीं, मुझे जो मैंने करना था वो तो कर लिया, ठीक है? तो ये छोटा सा व्लॉग था, आई होप कि आपको मजा आया, क्योंकि मैं शायद मैं जाते जाते भी घर पे मतलब घर जाते जाते बना लूँ कुछ, तो वो बना के सीधा घर चलते हैं। और क्या करना, तो भाई कुछ है नहीं है कुछ भी, तो चलो फिर। चलो ठीक है, चलिए ओके, कोई नहीं, आप करें फिर करें रेड प्लान वाइट प्लान कराएंगे। आओ ठीक है। तो गाइस हम तो निकल चुके हैं अभी भाई के घर से, मतलब कि घर से नहीं ऑफिस से निकल चुके हैं, और अभी हम सीधा जा रहे हैं घर पे। अगर कुछ ट्रेजेडी होती है भाई रास्ते में तो भाई कुछ बता देंगे, नहीं तो और क्या करना था, सीधा घर चलेंगे अब, ठीक है ना? मतलब कुछ होता तो है नहीं यहाँ पे करने वाला। और चलो यार भाई आज मुझे यार सिटी में यार कोई नाका नहीं मिला, बट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यार जो भैया बोल रहे सिदड़ा वाली साइड जो बहुत सारे नाके लगे हुए हैं, तो भाई जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। सो फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ घर पे, और भाई साहब यार आज हमने करनी थी राइड पर वो राइड कैंसिल होगी। किस वजह से? क्योंकि यार वहाँ पे जो सिलड़ा में है आपको पता ही है पंगा हो रहा है यार, स्टंट्स लोग कर रहे हैं मतलब बाइकर्स वगैरह, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि यार जो पुलिस वाले हैं वो यार इसको मतलब कि सही नहीं मान रहे और ये उनको पकड़ के बोल रहे हैं, मतलब कि बाइकर्स को जो है वो पकड़ रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो है वहाँ पे नाके वगैरह लगाए बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमारी आज की राइड कैंसिल होगी। तो भाई इसका कोई बात नहीं है, किसी और दिन करेंगे राइड। तो चलो यहाँ करते हैं वीडियो एंड, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो
चैनल पे आए तो यार सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, तो शेयर कर देना साथ में वीडियो को, ठीक है। सो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।